असह्य तातिर कलबल होशावासी आ दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा छुईवा पर गुगुड़ आश्वस्ति मिली तृप्ति मिली सत किंतु मौसुमी वर्षा प्रभाव में राज्यर बहु प्रमुख जिलार बेहाल अवस्था देखा मिली। राजधानी भुवनेश्वर कथा कहतु कि कटक ब्रह्मपुर संबलपुर असराय वर्षार विभिन्न सहर से जलबंदी समस्या सृष्टि जहाँफल लोकने जातायात में बहु असुविधा भोगुंट केवल सहर नुहे विभिन्न नदी अंचल स्थान में भयभीत स्थित रही किसी नदी में बना आसवर संभावना देखाई। सेपटे राज्य में मौसुमी सक्रिय रही बेले घूर्णी बलय प्रभाव में उत्तर पश्चिम बंगोपसगर तथा उत्तर ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि जहाँकि तलिया अंचल लोकों भय को बढ़ाई। सक्रिय मौसुमी प्रभाव में राज्य में लगा वर्षा जारी रही बेले लघुचाप प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़ मौसुमी आगामी दुई दिन जाए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे उत्तर ओडिशा मध्य गति करिबा संभावना रही। तेरे आहरी दुई दिन विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा हेबो बोली आंचलिक पानीपाग विभाग सूचना देछि। तबे आगामी 24 घंटा मध्य संबलपुर अनुगुल बौद्ध सोनपुर बरगढ़ देवगढ़ बलांगीर सुंदरगढ़ केन्दुझर और झारसुगुड़ार विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही जिलागुड़ी ऑरेंज वार्निंग जारी करपरि मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक ढेंकानाल खोर्धा नयागढ़ कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर और नुआपड़ा जिलार केतेक स्थान में प्रबल वर्षा संभावना थवसबू जिला येलो वार्निंग जारी कर सोमवार सका साढ़े आठटू 27 तारीख सका साढ़े आठटा मध्य बरगढ़ बलांगीर संबलपुर सोनपुर कलाहांडी नुआपड़ा बौद्ध और नवरंगपुर किसी अंचल प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही फल तलिया अंचल जलमग्न होवार आशंका रही विपद संकु अवस्था घरगुड़िक भांगी जापे पाणीपाग विभाग सतर्क कराई।